जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की अनुमोदन रेटिंग दैनिक निकेई समाचार पत्र द्वारा सप्ताहांत में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस वायरस की महामारी से निपटने के कई नाखुशों के साथ 5% अंक गिरकर 58% हो गए। रेटिंग्स में गिरावट घरेलू यात्रा अभियान को निलंबित करने की उनकी हिचकिचाहट पर आलोचना का अनुसरण करती है, क्योंकि नए कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ जाते हैं और संभावित रूप से अगले शरद ऋतु से परे उसके प्रीमियर की संभावना बढ़ जाती है जब उसका वर्तमान कार्यकाल समाप्त होता है। अक्टूबर में हुए पिछले पोल में सुगा की अनुमोदन रेटिंग 63% थी। उस सर्वेक्षण के अनुसार सरकार के कोरोना वायरस प्रतिवादियों के प्रतिसाद देने वाले लोग 13% अंक बढ़कर 48% हो गए। 44% से ऊपर उठकर उन्होंने सोचा कि सरकार अच्छा कर रही है। 993 लोगों के सर्वेक्षण में 61% सरकार ने घरेलू टू गो टू यात्रा अभियान को आंशिक रूप से रोकने के फैसले से सहमति व्यक्त की, जबकि 25% ने कहा कि सरकार को और अधिक करने की आवश्यकता है। यद्यपि जापान को यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखी जाने वाली बीमारी की उच्च घटनाओं को बख्शा गया है, हाल के हफ्तों में देश में ठंड के मौसम के साथ संक्रमण की दर बढ़ रही है जो राष्ट्रों में दैनिक मामलों की रिकॉर्ड संख्या तक पहुंच रहा है। सार्वजनिक प्रसारक NHK के अनुसार नए दैनिक संक्रमणों ने शनिवार को 2684 लोगों की सर्वकालिक उच्च वृद्धि की, मरने वालों की संख्या 2100 से अधिक है। सरकार ने जापान की हार्ड हिट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कोरोनावायरस को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है जो राष्ट्रीय यात्रा अभियान के साथ पर्यटन को बढ़ावा देता है। नए मामलों के बढ़ने के साथ सरकार ने पिछले सप्ताह ओसाका और सापोरो के दो शहरों को छोड़कर पर्यटन अभियान पर वापस कदम रखा, लेकिन टोक्यो में कार्यक्रम को निलंबित नहीं किया है जिसमें कोरोनावायरस मामलों की संख्या सबसे अधिक है। देखने के लिए धन्यवाद।